मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है जी, क्या करूंगा मैं इस वक्त? इसको डिलीट करेंगे, वो जो एरो की है, एरो की है जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, जो कर्सर है कंट्रोल को दबाएंगे और डिलीट लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मतलब में अगले लाइन में, अगले लाइन में जाना। हाँ तो क्या दबाएंगे? एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। भरत जी एंटर दबाइए। इन्होंने एंटर दबा दिया, हमारा जो एल और ई था नीचे आ गया, ये क्यों? ये दूसरी लाइन शुरू करते हैं। हाँ मुझे दूसरी लाइन शुरू करनी है। दोबारा से दिखाओ भरत, जैसे था वैसे। मुझे अगले लाइन में जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नया लाइन स्टार्ट हो। ये कर्सर यहाँ पे है, कैसे आएगा? एंटर दबाने से नीचे को आ जाएगी। एंटर दबाओ, ये एली साथ में। अब देखिए एली साथ में भी आ गया, मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था ये चीज, जो आपको याद है मैंने यहाँ पे समझाया था कि एंटर बटन का के बीच में होगा, फिर एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, उसको कैसे ठीक करेंगे? सर आप बताइए। इसको एरो लाके राइट एरो से एंटर ले जाइए कर्सर को। लाइए जी राइट में। हाँ उसके बाद एंटर दे दीजिए कर्सर को वहां से निकाल। जैसे खेतों में क्या होता है, गाड़ी जब फंस जाती है तो बाहर निकाला जाता है उसको, तो यहाँ पे ये फंसा हुआ है, इसको आगे लाइए एंड में, फिर दूसरे खेत में लेके जाइए इसको नीचे। एंटर बटन दबा दो। अब यहाँ पे चित्र दिखाओ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या टाइप करना है? बनाना। टाइप कीजिए। अब इस क्लास में जैसे हम पहले रहते थे ना एक आध जगह, जैसे हमने ट्रेन किया तो उन्होंने बोला, मैंने दिखाया ये चित्र किस चीज का है, तो कहते हैं सर बनाना है, हम कहते नहीं जी खेला है, टाइप करो। टाइप करो बस बनाना। बॉक्स हटना नहीं चाहिए आपका, जो ऊपर टाइप था एप्पल उसके नीचे ही आना चाहिए बनाना, और उस पर फॉर्मेटिंग कोई और कीजिए। जैसे पहले आपने कलर चेंज किया तो इसमें आप कुछ और चेंज कीजिए, और उसका ऊपर वाला भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको कंट्रोल ए सेलेक्ट करना बताया है, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सपी में सारा चीज होगा, कोई चॉइस है नहीं इसमें, तभी इसके नजर नहीं आए। बनाना पे फॉर्मेटिंग कर लिया, पूछूं मैं क्या चेंज हुआ है? एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए, जब आप बनाना पे फॉर्मेटिंग करेंगे और जो मैंने तरीका अभी तक आपको बताया है कंट्रोल ए, इससे क्या होगा? जब कंट्रोल ए करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा सेलेक्ट होगा या नहीं? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आप चेंज करेंगे यानी फॉर्मेटिंग जो करेंगे वो क्या होगा, ये दोनों टेक्स्ट पे होगा या सिर्फ बनाना पे होगा? दोनों पे हो जाएगा। क्यों? ऑल सेलेक्ट, क्योंकि हमने पूरा सेलेक्ट किया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ। मैंने यही समझा दिया आपको, ठीक है? क्या चेंज किया आपने, आप बताइए, बनाना पे क्या चेंज किया था फॉर्मेटिंग में, कौन सा परिवर्तन लाया आपने? एक बार पेंट का फाइल ओपन, जैसे एप्पल था ये वाला, हमने इस पे कलर चेंज किया था यहाँ से, अब आपने ये टाइप कर लिया, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल ए, उसके बाद आपने कहाँ से कौन सा चेंज किया है, इधर से या ये वी आई यू, तीनों कर दिया आपने, मतलब इन्होंने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों किया है। मैं चेक करूं, ठीक है,
आप लोगों ने क्या किया है टाइप कीजिए बनाना आपका बनाना कहाँ है क्यों डिलीट किया आपने जिसको अगर समझ में आ रहा है कि हमें एक एक करके कर सकते हैं आप ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लीजिए दूसरे को सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि मैंने अभी आपको कंट्रोल ए बताया है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक ही को रखिए एक तरीका यहाँ सिखा दूंगा फिर अगले क्लास में आपको बाकी के दो तरीके बता दूंगा सेलेक्ट करने का अभी तीनों बता दूंगा तीनों भूल जाओगे आप लोग मतलब आप सभी नहीं भूलेंगे जिसके लिए नया है ना इसलिए नेक्स्ट आप अगले लाइन में जाना है यहाँ पे कौन से बटन का उपयोग करूंगा एंटर बटन का प्रेस करो भरत एंटर बटन आप यहाँ पे वीडियो दिखाओ तो देखें और बताएं इससे क्या कहते हैं अभी वीडियो में दिखाया जा रहा है बनाना कैसे टाइप करना है और फिर से न्यू लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें दिए गए चित्र को देखें और बताएं इसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसको संतरा यानी ऑरेंज टाइप करना है ठीक है अगर ये ऑरेंज बोलते हैं तो मैं बोलता संतरा टाइप कीजिए ऑरेंज बड़ा टाइप करो ऑरेंज नीचे वाले लाइन में आपको ऑरेंज टाइप करना है O R A N G E ठीक है अब इस पे फॉर्मेटिंग कीजिए जो मैंने तरीका बताया है कौन सा तरीका कंट्रोल ए कंट्रोल ये मैं पता है क्यों करा रहा हूँ आपको ताकि एक बार ये आपका रिवीजन हो जाए साथ में कंट्रोल ए का अब भूलो ना और फॉर्मेटिंग कीजिए कोई एक सा पांचों में से जो एक बताया गया है आपको कितनी फॉर्मेटिंग बताया गया है राइटिंग चेंज करना साइज बढ़ाना कम करना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन पांच हो गया ना और एक ये छह अभी तक हमने कितनी फॉर्मेटिंग की होगी छह के छह फॉर्मेटिंग कर लिया नहीं अभी तो तीन ही टाइप है ना एप्पल बनाना ऑरेंज तो तीन ही फॉर्मेटिंग की होगी यहाँ पे ये वाला ये नंबर वाला जो दिख रहा है भरत यहाँ पे सेलेक्ट करके एक बार टेक्स्ट चेंज करना राइटिंग साइज बढ़ाने पूरे को सेलेक्ट कर लो कंट्रोल है इस पे क्लिक करना है क्लिक करो अच्छा यहाँ पे कौन मुझे समझाएगा कि साइज को अगर बढ़ाना हो तो क्या करूंगा मैं नीचे बढ़ते क्रम में नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा साइज बढ़ेगा जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे आकृति बढ़ेगी हाँ अगर मैं बढ़ते से घटते क्रम में जाऊंगा तो क्या होगा साइज छोटा होगा कब होगा जब हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ लाइन सेलेक्ट होगा बिना सेलेक्ट विंडो एक्सपी में हो सकता है सेवन में नहीं मैं बता दे रहा हूँ पहले ठीक है ये चीज हो सकता है ना सबने किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा ना नेक्स्ट दिखाओ ऑरेंज फिर से अगले लाइन में जाना है ऑरेंज का चीज रहा है तो आप उसी लाइन में टाइप नहीं करना अगले लाइन में ऑरेंज टाइप करें आइए अब वीडियो की मकसद सबसे लास्ट वाली लाइन में है अगर आप अपने कर्सर को ऑरेंज के बीच में अब क्या करना है तो आप लेफ्ट एरो की का उपयोग करेंगे अब क्या करना है ऑरेंज के बीच में लाना है अपने कर्सर को कहाँ लाना है दिखाना ये पेंट का फाइल ओपन करो कर्सर यहाँ पर